छोड़ने का मौका देंगे माननीय सदस्य? एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। साहब मैं आप अनुमति दे तो एक छोटी सी स्पष्टता मनीष जी की ओर से करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, एक सेकंड भैया, पर एक सेकंड बाद में उठाऊ, छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। कांग्रेस पार्टी के ओर से चर्चा की शुरुआत, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किए कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। आप अजय जी, आप बोलना चाहते हैं पुनीत जी? अजय, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष पक्ष में या खिलाफ में, ये बोल दे दो अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, दे आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, शायद गृह मंत्री जी कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने साफ तौर पे ये कहा कि बगैर जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुमति के आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते, और अगर 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 आप, एक मिनट बैठ जाइए, अरे क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं गृह मंत्री का, क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पार्टी क्लैरिफाई, बैठ जाओ, विद दी वेदर दे वांट एक्सिस्टेंस ऑफ 370। अध्यक्ष जी जवाब देने दीजिए, अध्यक्ष जी आप मेरे को जवाब देने दीजिए, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक विधेयक के प्रावधान से विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना चाहते हैं, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद बनना चाहते हैं, तो ये संवैधानिक त्रासदी है। गृह मंत्री जी, मेरे को उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा।